हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ मकर संक्रांति के ऊपर फोटो एडिटिंग। तो भाई, मकर संक्रांति जो है सामने आने वाला है, मकर संक्रांति को आप सभी को ही जो है फोटो एडिटिंग करना रहता है। तो गाइस, आज की वीडियो को आप लोगों को कम्प्लीट एंड तक ही देखना होगा, तभी आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सीख जाओगे। एंड गाइस, आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो भाई वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी यार जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो भाई गाइस, चले फिर जल्दी से इस कमाल की वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, मैं सबसे पहले पिक्सार्ट के अंदर ये वाला जो बैकग्राउंड है इसको मैं ऐड कर लिया हूँ। तो बैकग्राउंड में कुछ मतलब क्रिएट किया हूँ, तो इस बात से गाइस एक लाइक कर देना। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है बता देता हूँ, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखते रहो। तो सबसे पहले आप जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ऐड फोटो पर क्लिक करके मेरे मॉडल का फोटो को ऐड करता हूँ, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैं एक साथ दोनों मॉडल को ही ऐड कर लिया हूँ। तो सबसे पहले जो गर्ल मॉडल है इसको मैं सबसे पहले साइड में रखता हूँ यहाँ पे। एंड सबसे पहले जो मेरा मॉडल का फोटो होता है ना, इसको सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से बड़ा करके मैं यहाँ पे लगा दूंगा बैकग्राउंड के अंदर, जैसे कि भाई लोग यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। तो एकदम अच्छे तरीके से मैं सेट करूँगा, कुछ इस टाइप से टाइम दे के कुछ इस तरीके से बड़ा करके मैं सेट करूँगा। तो गाइस, यहाँ पे कुछ इस तरीके से टाइम देकर आपको सेट कर लेना होगा। देन आपको क्या करना है, गर्ल मॉडल को लेकर आना है, तो गर्ल मॉडल को भी कुछ इस तरीके से बड़ा करके मैं यहाँ पे नीचे से लगा दूंगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा मैं छोटा करना होगा मुझे गर्ल मॉडल को, थोड़ा सा छोटा करूंगा, थ्री डॉट पे क्लिक करके मूव डाउन। एंड भाई, मूव डाउन करने के बाद थोड़ा सा छोटा कर लेना है लगभग आपको इतना। एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से टाइम देकर सेट कर लेना है, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस। तो यहाँ पे सेट हो जाने के बाद में जो ऐड फोटो का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐड फोटो पे जाके एक और पिंजी ऐड करता हूँ, ठीक है गाइस। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैं इस बार फोरग्राउंड के अंदर जो ये वाला शेडो का पिंच लगाऊंगा, तो इसको ऐड कर लिया हो, तो इसको सिंपली बड़ा करके मैं फोरग्राउंड के अंदर लगा दूंगा, जैसे कि भाई लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो लगा देने को डन करके बैक चलना है आपको। डन करके बैक चलने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, अगेन गाइस आपको सिंपली ऐड फोटो का ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं ऐड फोटो पर जाकर और पिंच को मतलब ऐड करता हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो मैं इस बार ये वाला पतंग का जो पिंच होता है इसको मैं ऐड कर लिया हूँ, तो इसको सिंपली कुछ इस तरह से बड़ा करके मैं लगा दूंगा बैकग्राउंड के अंदर, जैसे कि भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो लगा देने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मैं डन करके यहाँ पे बैक चलूंगा, तो डन करके बैक चलना है। एंड गाइस, यहाँ पे सेट हो जाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे साइड में जो ऐड फोटो का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, तो अगेन आपको ऐड फोटो पर जाके और पिंच को ऐड करना है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैं इस बार ये वाला मतलब ये वाला जो इसको मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं है गाइस, तो इसको अब सिंपली ये वाला जो पिंच होता है ना, इसको सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पे छोटा करके मेरे जो मॉडल के मतलब मेरे मॉडल के हाथों के ऊपर मैं सेट वगैरह करूँगा, जैसे कि भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो एकदम अच्छे तरीके से आपको सेट कर लेना है, ठीक है। तो सेट हो जाने के बाद सिंपली ब्रश के अंदर जाके जो मतलब एक्स्ट्रा बड़ा आप लोगों को दिख रहा है, तो इसको हल्का सा करके आपको इरेज करना स्टार्ट करना है, जैसे कि भाई लोग देख ही सकते हो। तो इरेज हो जाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे डन करके बैक चलना है। यहाँ पे डन करके बैक चलने के बाद साइड में जो ऐड फोटो का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है ना गाइस, यहाँ पे ऐड फोटो पे जाके एक और पीएनजी को ऐड करना है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैं इस बार मकर संक्रांति का जो टेक्स्ट पिंच होता है ना, इसको मैं ऐड कर लिया हूँ। तो ऐड करने के बाद छोटा करके आपको यहाँ पे लगा देना है हैवी मकर संक्रांति, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो गाइस। तो यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट का पिंच को आपको अच्छे तरीके से लगा देना है, देन यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा दूंगा, देन डन करके बैक चलना है। एंड गाइस, यहाँ पे इतना हो जाने के बाद देख सकते हो पिक्सार्ट के अंदर हमारा काम तो कंप्लीट हो चुका है, देन आता है लाइटिंग के अंदर फोटो का तो कलर ग्रेडिंग करना। तो गाइस, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो डॉट टूल का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, डॉट टूल के अंदर फोटो को सेव करके इस फोटो को लाइटिंग के अंदर लेके चलता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर तो ओपन हो चुका हूँ, तो मैं लाइटरूम के अंदर पहले से ही तो फोटो को ऐड कर लिया हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा आपको बता देता हूँ, ऑल फोटोज के अंदर टैप करके फोटो को ऐसे मैं ओपन ही करूँगा। तो गाइस, आपको फोटो को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको जाना है लाइट वाला टूल्स के अंदर फोटो का लाइट एडजस्टमेंट करने के लिए। एंड सबसे पहले फोटो का एक्सपोजर बढ़ा देना है, एंड कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा कम रखना है लगभग आपको इतना, हाईलाइट को सिंपली कुछ इस तरीके से थोड़ा सा करके आपको कम रखना है, शेडो को बढ़ा देना है, एंड आपको व्हाइट को सिंपली कुछ इस तरीके से कम रखना है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो गाइस, ब्लैक को बढ़ा देना है, ठीक है। देन आपको कलर वाला टूल है मिक्स टूल। तो गाइस, यहाँ पे मिक्स टूल के अंदर आने के बाद सबसे पहले रेड कलर के जो ह्यू है इसको हल्का सा कम करके आपको सैचुरेशन को भी बढ़ा देना है लगभग आपको इतना रखना है। देन आपको जाना है पे ऑरेंज कलर के अंदर, तो ऑरेंज का सैचुरेशन कम करके आपको लुमिनेशन को बढ़ा देना है लगभग आपको इतना। तो गाइस, यहाँ पे इतना रखने के बाद येलो कलर का मतलब यहाँ पे ऑरेंज कलर के ह्यू को भी हल्का सा बढ़ा देना है, येलो कलर के अंदर जाना एंड येलो के ह्यू को हल्का सा कम रखना है लगभग आपको फोटो के हिसाब से, सैचुरेशन को बढ़ा के लगभग आपको इतना रखना है, ठीक है। देन आपको जाना है ग्रीन के अंदर, तो ग्रीन के भी ह्यू को हल्का सा कम रखना है, सैचुरेशन को भी बढ़ा देना है लगभग आपको इतना रखना। देन आपको जाना है लास्ट में सीएन कलर के अंदर, गाइस सीएन के ह्यू को फुल्ली डिक्रीज करके सैचुरेशन को फुल्ली हाई कर देना है। देन इस बार जाना है ब्लू वाला कलर के अंदर, तो ब्लू के ह्यू को हल्का सा बढ़ा के आपको सैचुरेशन को भी बढ़ा देना है लगभग आपको इतना रखना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस, ठीक है। देन आपको जाना है यहाँ पे लास्ट में आपको ये वाला कलर आप लोग को दिख रहा है, इसके अंदर जाके इसका भी ह्यू को थोड़ा सा माइनस रखना है, सैचुरेशन को बढ़ा देना है। देन यहाँ पे क्या करना है, डन करके आपको बैक चलना है। एंड उसके बाद गाइस, इसका जो टेम्परेचर है इसको टेंट को थोड़ा सा करके आपको बढ़ा देना है लगभग आपको सिक्स रखना है, एंड टीन को भी आपको बढ़ा के सिक्स के आसपास ही रखना है, जैसे कि आप लोग
देख सकते हो गैस यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ठीक है। एंड यहाँ पे वाइब्रेशन को ये बढ़ा देना है, लगभग यहाँ पे कितना रखना है, लगभग 15 के आसपास रखना है। एंड सैचुरेशन को 4 बढ़ा देना है, उसको जाना है ट्रायंगल वाला टूल के अंदर। गाइस सबसे पहले फोटो का जो टेक्सचर होता है इसको बढ़ा देना है लगभग इतना रखना है। क्लीट को बढ़ा के आपको लगभग आपको इतना रखना है। डीएस को 2 बढ़ा देना है लगभग आपको इतना। बिग्निटी अमाउंट को 10 माइनस रखना है ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पर 10 माइनस रखूंगा, देन आपको जाना शार्पनेस टूल। एंड सबसे पहले फोटो का शार्पनेस को ही बढ़ा लेना है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो 40 के बीच में रखना है तो 45 पर रखूंगा। यहाँ पे क्या करना है, राउंडनेस को बढ़ा देना है, यहाँ पे राउंडनेस बढ़ाऊंगा, यहाँ पे नॉइज रिएक्शन, यहाँ पे कलर नॉइज रिएक्शन ठीक है। तो यहाँ पे इतना करने के बाद देख सकते हो गाइस हमारा जो फोटो एकदम बनके रेडी हो जाएगा मकर संक्रांति के लिए। आप लोग देख सकते हो फोटो देखने में कितना ज्यादा मक्खन लग रहा है। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर गाइस इतना ही था। तो वीडियो आपको पसंद आया तो गाइस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी आज जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट और टॉपिक के साथ गाइस। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, अपना ख्याल रखना।